Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good and happy Diwali everyone. So guys, आज और एक दिवाली लुक लेकर आ गई हूँ मैं. ये काफ़ी गॉर्जियस एक स्मोकी आई लुक है. इसे क्रिएट करना काफ़ी ईजी है. आप अगर इसे क्रिएट करते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ इंस्टाग्राम में शेयर कीजिएगा. एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी अच्छा अच्छा वीडियो आप आगे देख सकें. तो चलिए बिना लेट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेरे फेस को मेकअप के लिए प्रेप कर लिया है. तो अब मैं यहाँ पे नायका का प्रेप में या प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ अपने पूरे फेस में, स्पेशली मेरे टी जोन को फोकस करते हुए. और अभी विंटर आ ही गया ऑलमोस्ट, तो अपने स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे ही आपका मेकअप काफ़ी टाइम तक टिकेगा. आज पहले आई मेकअप कंप्लीट करूँगी तो इसीलिए अपने आईब्रो को फिल कर ले रही हूँ. ब्राउज के लिए ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ मैं. अब आईब्रोज़ को एक क्लीन लुक देने के लिए मैं कंसीलर से आईब्रोज के नीचे और आईब्रोज के ऊपर अच्छे से शेप कर रही हूँ ताकि मेरा आईब्रो जो है पॉपअप होके दिखे एंड एक क्लीन लुक मिले. अब ये सेम कंसीलर को मैं अपने आईलिड में भी अप्लाई कर रही हूँ एज ए आई शैडो बेस. अब एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से पूरे आईलिड में मैं कंसीलर को स्प्रेड कर रही हूँ ताकि मुझे बेस काफ़ी अच्छा मिले. इसे अप्लाई करते ही तुरंत ब्लेंड नहीं करूँगी. इसे अगर तुरंत ब्लेंड करूँगी तो मुझे कवरेज नहीं मिलेगा. मैं एक आँख में इसे अप्लाई करके छोड़ दूँगी, फिर तब तक मैं दूसरे आँख को भी कंप्लीट कर लूँगी. फिर एक एक करके इसे मैं ब्लेंड करूँगी हल्के हाथों से. अब फेसेस कैनेडा कॉम्पैक्ट को एक फ्लफी ब्रश में लेके अपने आईलिड को मैं सेट कर लूँगी. सेट करने के बाद मैं एक बार फिंगर के हेल्प से चेक कर लूँगी ताकि कोई स्टिकनेस ना रहे. अगर स्टिकनेस रहेगा तो काजल जो है वो ब्लेंड होने में काफ़ी दिक्कत होगा. अब स्टेक हुए की बैडेस काजल लेके अपने लैश लाइन के क्लोज एक थिक लाइनर ड्रॉ करूँगी. देन एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे तरीके से स्मच करूँगी. और एकदम से मैं पूरे लीड में अप्लाई नहीं करूँगी. इस काजल को मैं थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करूँगी और अपने क्रीज की तरफ जाऊँगी. गाइस, आप जब भी स्मोकी आई करना चाहें तो हमेशा थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके अप्लाई करें और काफ़ी टाइम लेके उसे ब्लेंड करें तो ही एक क्लीन लुक आएगा. काजल को लॉक करने के लिए मैं यहाँ स्विस ब्यूटी का ब्लैक आई शैडो ले रही हूँ. उसे थोड़ा थोड़ा करके लेके अपने आईलिड में अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. आपके पास अगर ब्लैक आई शैडो ना हो तो आप कोई भी डार्क ब्राउन शेड लेके अपने काजल को लॉक कर सकते हैं. अब स्विस ब्यूटी आई शैडो पैलेट से ये ब्राउन शेड को लेके अपने क्रीज में पहले अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ थोड़ा टाइम लेते हुए. इस ब्राउन आई शैडो को ब्लैक के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी ताकि मेरा आई लुक जो है काफ़ी ब्लेंडेबल दिखे एंड काफ़ी क्लीन लगे लुक. गाइस, जब भी आप स्मोकी लुक करें तो ये याद रखिएगा कि क्रीज में कभी भी डार्क कलर नहीं अप्लाई करना है, हमेशा जितना हो सके लाइट कलर अप्लाई करना है. अब बेस को काफ़ी ग्लोई एक लुक देने के लिए यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर. इसे पूरे फेस में डॉट डॉट करके अप्लाई करके ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ. आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीटी सा एक ग्लो मिला है मेरे फेस में. आपको अगर ग्लोई मेकअप पसंद है तो आप डेफिनेटली इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं. अब मेरे फेस में जितने भी डार्क स्पॉट है उसे हाइड करने के लिए यहाँ स्विस ब्यूटी का एक डार्क कलर का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ. ये मेरे फेस में कलर करेक्टिंग का काम करेगा. अब इसे एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ नायका स्किन जीनियस फाउंडेशन. इसे अपने पम में लेके ब्लेंड करके फिर अपने फेस में डॉट डॉट करके अप्लाई करके ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है, इसके वजह से मेरा टी जोन ऑयली है और बाकी पूरा फेस ड्राई है. तो टी जोन छोड़ के बाकी फेस में मुझे ये फाउंडेशन को ब्लेंड करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो मैं सेटिंग स्प्रे अप्लाई की हूँ. उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से काफ़ी ईजिली इसे ब्लेंड कर रही हूँ. आपको भी अगर दिक्कत हो ब्लेंड करने में तो आप ये स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, इससे काफ़ी ईजी हो जाता है ब्लेंड करने में. अब अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए स्विस ब्यूटी का एक लाइट कलर का कंसीलर ले रही हूँ. उसे मैं अंडर आइज, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, जॉ लाइन, चिन पे एंड अपने फोरहेड पे अप्लाई कर रही हूँ. इसे लिप्स के साइड भी अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरे लिप्स को भी एक शेप मिले. अब डैम ब्यूटी ब्लेंडर से काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ. और जब भी आपका आई मेकअप पहले हो जाए उसके बाद कंसीलर फाउंडेशन को काफ़ी केयरफुली ब्लेंड करना है ताकि आपका आई मेकअप ख़राब ना हो. आज मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ सबके लिंक, सेड नेम, नंबर सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके उस लिंक के थ्रू जाकर आप परचेस कर सकते हैं. कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद जल्दी से मैं पाउडर से सेट करूंगी वरना क्रीज पड़ जाएगा. तो पाउडर के लिए यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का प्राइम एंड सेट लूज पाउडर. इसे मैं पूरे फेस में अप्लाई करूँगी. पहले जहाँ जहाँ भी मैंने कंसीलर अप्लाई किया है उसके ऊपर अप्लाई करूँगी, उसके बाद पूरे फेस में अप्लाई करूँगी और नेक पर भी अप्लाई करूँगी. आज कंटूर, ब्लश एंड हाइलाइटर के लिए मैं एक ही पैलेट यूज़ करूँगी जो है स्विस ब्यूटी का फेस पैलेट. ये काफ़ी अच्छा एक पैलेट है. इस पैलेट में जितने भी कलर्स है वो काफ़ी पिगमेंटेड है, तो इस पैलेट से ये डार्क ब्राउन शेड को लेके अपने हॉलोस ऑफ द चीक्स, जॉ लाइन, फोरहेड एंड अपने नोज को अच्छे से कंटूर कर लूँगी.
एंड सेम पैलेट से ये लाइट पिंक कलर को लेके अपने चीक्स में अप्लाई करूंगी। आप देख सकते हैं ये ब्लश कितना पिगमेंटेड है। इसे मैं काफी अच्छे तरीके से ब्लेंड करूंगी अपने चीक्स पे, थोड़ा सा मैं नोज पे भी और चिन में भी अप्लाई करूंगी। अब आई लुक को पूरा कंप्लीट करूंगी, तो उसके लिए स्विस ब्यूटी पैलेट से ये डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन शेड को मिक्स करते हुए अपने लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी। अब स्टे क्वे के बैडस काजल लेके अपने वाटर लाइंस को टाइट लाइन कर रही हूँ एंड फ्लैट ब्रश से एक बार ब्लेंड कर दे रही हूँ ताकि काजल और आई शैडो साथ में स्मज दिखे। ओके सो अब मैं फॉल्स आई लैसेस अप्लाई कर रही हूँ। गाइस आप जब भी स्मोकी लुक करें उसके साथ आप अगर फॉल्स लैसेस अप्लाई करेंगे तो लुक और भी एनहांस होकर दिखेगा। देन फेसेस कनाडा मैग्नेटाइज मस्कारा लेके अपने अपर एंड लोअर लैसेस को अच्छे से कोट कर रही हूँ। देन आईज को कवर करके पूरे बेस को मैं लॉक कर रही हूँ स्विस ब्यूटी सेटिंग स्प्रे से। देन स्विस ब्यूटी पैलेट से ये हाइलाइटर को लेके अपने चीक बोन्स, ब्रो बोन, नोज, क्यूपिड बो, चिन एंड फोरहेड पे अप्लाई कर रही हूँ। अब देख सकते हैं कितना प्रीटी एक ग्लो मिला है। इसे मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, मैं तो इसका फैन बन गई। मुझे काफ़ी पसंद आया ये पैलेट एंड एक स्मॉल ब्रश में लेके अपने आईज़ के इनर कॉर्नर में भी अप्लाई कर रही हूँ इस हाइलाइटर को। आईज़ के इनर कॉर्नर में हाइलाइटर अप्लाई करने से आई लुक और भी पॉप अप होता है। ओके देन लिप्स को फिल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ पर्पल मिनी लिपस्टिक। इसका शेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो लिप्स को एक ऑम्ब्रे इफेक्ट देने के लिए लिप्स के सेंटर में एक लाइट कलर का लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ जो कि है NYBA लिक्विड लिपस्टिक एंड इसके साथ ही अपना मेकअप कंप्लीट करती हूँ। सो गाइस ये है आज का फाइनल लुक, कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैप्पी दिवाली।